हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम करेंगे स्टोर ग्रेन पेस्ट विच इज़ ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम एंड साइटोड्रोगो सीरियाला तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट विट वी विल और कॉमनली नोन एज खापरा बीटल विच इज़ बिलोंग टू फ़ाइलम अर्थ्रोपोडा क्लास इंसेक्टा ओडर कोलिपटारा एंड फैमिली डरमिस्टिडी इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल ओवर द इंडिया एंड Main damage caused in UP, Haryana, Punjab, Rajasthan and Bihar. Its main host plants are wheat, rice, maize, jowar and basra grain etc. Generally, adult appears as dark brown colored oval beetle having length of two to five mm with a small contractile head its females are larger as compared to male and adults survive for 15 to 31 days it has 10 to 12 generation under normal condition in one year its entire life cycle is completed in 34 to 76 days the adult complete copulate just 2 to 3 days after emergence इट्स लाइफ सैकल इंक्लूड्स एग ग्रब प्यूपा एंड एडोल्टेर इज़ द लाइफ सैकिल लाइफ सैकल स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द एग फीमेल एग ले करेगी ऑन द ग्रेन विच इज़ वाइट सेमी ट्रांसपेरेंट ओवल एंड अबाउट जीरो पॉइंट फाइव मिलीमीटर इन लेंथ फीमेल कैन ले अप टू वन फिफ्टी एग्स आफ्टर द इंक्यूबेशन पीरियड ओ फाइव टू सिक्सटीन डेज एग हैच एंड ब्राउनिश हेयरी ग्रब एम आउट फ्रॉम द एग ये जो ग्रब है फीड करता है ऑन द ब्रोकन ग्रेन मेल ग्रब एंड फीमेल ग्रब का जो लार्वल पीरियड है वो वेरी करता है एंड मेल ग्रब का जो लार्वल पीरियड है वो है नाइनटीन टू ट्वेंटी एट डेज़ एंड फीमेल का है ट्वेंटी टू थर्टी सेवन डेज़ अ फुली ग्रोन ग्रब इज़ अबाउट फाइव एम एम इन लेंथ और इसी कंडीशन में जब ग्रब फुली ग्रो कर जाएगा तो अपने आप को हिबरनेट कर लेगा एंड कन्वर्ट करेगा खुद को इनटू अ डर्टी ब्राउन कोकून इनसाइड द ग्रेन और ये कंडीशन रहेगी फॉर दी फोर टू सेवेंटीन डेज आफ्टर प्यूपेशन पीरियड प्यूपा ब्रोक होगा ब्रेकन डाउन होगा एंड अ डार्क ब्राउन ओवल शेप्ड स्मॉल स्मॉल कंटेक्टाइल हेड कंटेनिंग एडल्ट एमर्ज आउट फ्रॉम द प्यूपा फीमेल लार्जर होगी एज़ कम्पेयर टू मेल एंड लाइफ स्पेन होगा एडल्ट का फिफ्टीन टू थर्टी वन डेज़ और जस्ट टू टू थ्री डेज आफ्टर एमरजेंस एडल्ट आर एबल टू कॉपुलेट एंटायर लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट होगी इन थर्टी फोर टू सेवेंटी सिक्स डेज एंड नॉर्मल कंडीशन में टेन टू ट्वेल्व जनरेशन कर सकता है ये ना वन ईयर जो मेन डैमेज है वो कॉज करेंगे एडल्ट एंड ग्रब्स दोनों ही और अटैक करेगा व्हीट मेज राइस एक्सेट्रा जो ग्रब है वो एम्ब्रियो ऑफ सीड पर फीड करता है और मेनली जो अपर लेयर्स है ग्रेन्स की उनको डैमेज करता है इसको कंट्रोल कर सकते हैं बाय ग्रेन शुड बी ड्राइड एंड स्टोर्ड केयरफुली इन्फेस्टेशन के केस में जो अपर लेयर है उसको रिमूव कर देना चाहिए एडल्टन ग्रब को ट्रैप करना चाहिए बाय स्प्रेडिंग गनी बैग ओवर दिन फेस्टेड ग्रेन ताकि जो एडल्ट ग्रब्स है वो बैग के अंदर आ जाए उनको कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाए नेक्स्ट पेस्ट है ग्रेन एंड फ्लोर मोथ विच इज़ बिलोंग टू फैलम अर्थ्रोपोडा क्लास इंसेक्टा ऑर्डर लैपिडोपटेरा एंड फैमिली गैलीचिड़ी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड इट इज ए कॉस्मोपोलिटन मीन्स इट फाउंड एवरीवेयर इसके जो होस्ट प्लांट हैं वो है व्हीट राइस ज्वार बाजरा सेक्ट्रा जनरली द एडल्ट मोथ आर स्मॉल अप अबाउट फाइव टू सेवन मिलीमीटर लेंथ है पेल येलो ब्राउन कलर की होगी और वन और टू ब्लैक स्पॉट प्रेजेंट होंगे ऑन दी फोर विंग्स जो एजेस हैं विंग के उनके ऊपर शार्पली पॉइंटेड हेयर प्रेजेंट होंगे एंटायर लाइफ साइकिल कंप्लीट कम्प्लीट विन थर्टी फाइव डेज एंड इनक्लूड अ एग लार्वा प्यूपा एंड एडल्ट दिस इज द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ फ्लोरमोथ विच इज स्टार्ट फ्रॉम द एग अ फीमेल कैन ले एग सिंगली और इन क्लॉम्स ऑन द सरफेस ऑफ सीड ग्रीन जो एग है इसकी शेप ओवल होगी एंड ज़ीरो पॉइंट फाइव mm एम एम लॉन्ग होगा ये जो एग है इनिशियली ये वाइट कलर का होता है बट बाद में ये टर्न हो जाता है इन द रेड कलर वन फीमेल कैन ले अप अपू फोर हंड्रेड एग्स इन हर लाइफ टाइम आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड एग हैच होगा इंटू दी लार्वा लार्वा जो है वो वाइट कलर का होगा विद येलो ब्राउन हेड और ये एंटर करेगा इन टू ग्रेन और फीड करना स्टार्ट कर देगा आफ्टर टेन डेज ये ग्रो करेगा और फुली ग्रोन जो लार्वा है वो सिक्स एम एम लॉन्ग होगा ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ फाइव मोल्टिंग होंगी इसके अंदर और ये स्टेज रहेगी फोर्टीन टू ट्वेंटी डेज आफ्टर स्टेज जो प्यूप लार्वा है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्यूपा के अंदर इनसाइड द ग्रेन और रेडिश ब्राउन कलर का होगा फाइव एम एम लॉन्ग और ये कंडीशन रहेगी सेवन टू टेन डेज तक आफ्टर प्यूपेशन पीरियड प्यूपा में ब्रेकडाउन होगी एंड एक एडल्ट बाहर निकलेगा जिसकी लेंथ होगी फाइव टू सेवन एम एम पेल ब्राउन कलर का होगा और वन और टू ब्लैक स्पॉट जैसे इसके फोर विंग पे प्रेजेंट है ऐसे ब्लैक स्पॉट प्रेजेंट होंगे इसके फोर विंग पे एंड शार्पली पॉइंटेड हेयर देखो यहाँ पे ये हेयर्स नज़र आ रहे हैं इससे इजीली आइडेंटिफाई करना uh, कर सकते हैं इससे कि ये कौन सी पेस्ट uh, है तो पॉइंटेड हेयर प्रेजेंट होंगे ऑन दी विंग्स ऑफ एडल्ट जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होगी थर्टी फाइव डेज में एट दी थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डैमेज जो मैक्सिमम डैमेज है वो कैटरपिलर पिलर कॉज करता है कैटरपिलर फीड करेगा ग्रेन्स के ऊपर बल्क में जो स्टोर ग्रेन होंगे उनकी अपर लेयर को इन्फेस्ट करेगा हम पचाएगा इन केस ऑफ स्टोरेज इन गने बैग्स जो ग्रेन्स हैं उनको सिर्फ सरफेस पर ही जो पेस्ट है उनका अटैक होगा इसको कंट्रोल करने के लिए जो ग्रेन्स हैं उनको प्रॉपर ड्राई करना चाहिए स्टरलाइज करना चाहिए बिफोर स्टोरेज फ्यूमिगेशन करना चाहिए कार्बन डाइसल्फ़ाइड का इससे भी कंट्रोल कर सकते हैं या फिर स्प्रे करना चाहिए क्लोरो पाईक्रीन ऑन बॉक्सेस ताकि जो ये पेस्ट है उसको कंट्रोल किया जा सके तो हमने अभी तक दो वीडियोस के अंदर चार स्टोर ग्रीन पेस्ट कर लिए हैं तो रिमेनिंग जो पेस्ट है स्टोर ग्रेन के वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी अच्छी लगी होगी तो थैंक यू स्टूडेंट्स